या अकाल हो, झुंझुनू झुकना नहीं जानता। झुंझुनू जूझना जानता है। और इसलिए झुंझुनू की धरती से आज जिस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को झुंझुनू से भी प्रेरणा मिलेगी, देश को यहां से भी एक नई ताकत मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परंपराएं, शास्त्रों में उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और कई दशकों से एक विकृत मानसिकता के कारण, एक गलत सोच के कारण, सामाजिक बुराइयों के कारण